感謝であるなと。ありがとうございます。じゃあ、あの愛の名義の名字に変えると名義名義にからすると。そう、基本まず名義からすると、すみこんがりに言えば今日は अंशु, जल्दी भाई रहा, मुझे काम है। जी भाभी भी आई। जी भाभी, क्या कह रही थी तुम अंदर? मैं वॉशरूम में थी, लेकिन मुझे तो आवाजें आ रही थी अंदर से। कुछ नहीं, कभी कभी अपने आप से बातें करने लग जाती हूँ। अच्छा, तुम्हारे भाई का फोन नहीं मिल रहा, मैंने सारा कमरा देख लिया। देखा तुमने कहीं? नहीं भाभी, मैंने नहीं देखा, इधर ही होगा कहीं। चले देखते हैं। आओ। शुक्र है बच गई। बेगम क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा ली? वो आपका मोबाइल मिल नहीं रहा था तो मैं वही ढूंढ रही थी। तुम्हारे ना अंकल की कॉल आई थी। अच्छा, बोल रहे थे कि चक्कर लगा जा। चले जाएंगे, काफी अरसा हो गया हम उनके घर नहीं गए। अच्छा ठीक है, फिर मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। चलिए ठीक है। अंशु, जी भाभी, ये क्या कर रही हो तुम? मैं सफाई कर रही थी और बर्तन धो रही थी। तो गाने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? अब मेरे ख्याल से हम सायों ने दिखाई है। चलिए ठीक है, जल्दी से काम खत्म कर लो। ओके भाभी। भाभी जी, पाई कब तक आएंगे? क्यों खैरियत है, तुम क्यों बार बार पूछ रही हो? नहीं, वो 8 बज गए ना, तो उस टाइम आ जाते थे, आज आए नहीं इसलिए। ये तो मुझे भी नहीं पता, टाइम तो हो गया उनके आने का, आते होंगे। जी हर बार गलती ये करती है और सजा मुझे मिलती है, आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूँ ये सब, और कैसे बताऊँ इसके भाई को इसकी तमाम हरकतें। चलो जो होगा देखा जाएगा। पापी, आज सर्दी ज्यादा है या मुझे लग रही? नहीं, मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी तो मुझे भी लग रही है।
क्या हुआ? मुझे दूसरे नंबरों से कॉल आ रही थी। क्या? और वो बाल भी सुबह तुम्हारी पास कितनी देर लगातार आई थी? बाल मुझे मिल नहीं रहा था आपका, तो मैं वो ढूंढ रही थी। इतनी देर लगा दी, किसको कॉल कर रही थी तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सीधा है, मैं रॉन्ग नंबर्स तुम डायल करती रही हो। मैं क्यों डायल करूंगी? तो फिर कौन करता रहा है? आपकी सिस्टर भी तो कर सकती है। मुझे पहले ही अंदाजा था कि तुमने घटिया बकवास कर ली है, अब लगा दो उसमें इल्जाम। मैं इल्जाम नहीं लगा रही। बकवास बंद करो, अब जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। मैं लेके आती हूं। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ खाना लेके आओ। ये क्या हो गया? भाई को पता लग गया, आज का इल्जाम तो भाभी पे आ गया। आगे देखते हैं क्या होगा। मैंने उसे मना भी किया था कि भाई के नंबर पे कॉल ना करे, अब मैं उसे कैसे समझाऊं? अगर भाई को पता चल गया कि मैंने किया तो मुझे तो वो जान से मार देंगे। किसी ना किसी तरीके से उसे समझाना पड़ेगा और उसे मना करना पड़ेगा। मैं कॉल करूं तो करनी है, वरना नहीं करनी। गलती भी मेरी नहीं होती, लेकिन फिर भी सजा मुझे ही मिलती है हर बार। अब फिर से बकवास शुरू? मैं बकवास नहीं कर रही, आपको हकीकत क्यों नहीं नजर आ रही? कहा ना एक दफा बकवास बंद करो अपनी, और सुने दो मुझे। फिर तो बकवास आप बंद करवा देंगे, लेकिन हकीकत को अपने सामने आने से नहीं रोक सकते आप। मुझे समझाने की कोशिश मत करो और सो जाओ खामोशी से। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि भाई के नंबर पे कॉल मत करना। भाई से पता है मुझे कितनी डांट पड़ी। अब जब मैं कॉल करूँ ना तब करना, वरना कॉल मत करना। ठीक है, मैं मोबाइल रखती हूँ इससे पहले कि कोई उठ जाए। Yeah.
अच्छा बेगम, मैं सोच रहा था कि काम को कुछ बढ़ा ना ले। तो क्या सोचा आपने इस बारे में? तुम्हारा वो भाई किधर है? वो तो आउट ऑफ सिटी होता है, स्टडी कर रहा है, कंप्लीट करके ही वापिस आएगा। हाँ वैसे भाई, उसको बुला लेंगे तो आपके काम में भी इजाफा हो जाएगा, आसानी भी हो जाएगी आपको। ये कह तो सही रही है, बुला लो फिर उसे। चले, मैंने घर भी चक्कर लगाना है, मम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इस बारे में। हाँ चलते हैं किसी दिन। और आप सुनाए, आपका काम कैसा है? काम जबरदस्त जा रहा है। अच्छा ये बताओ, वो माली आया था पौधों की कटिंग के लिए? नहीं वो तो नहीं आया। कहा तो था मैंने उसे। आप ऐसा कीजिएगा, दोबारा उसको कॉल कर लीजिए। करता हूँ मैं कॉल उसे। मैं आती हूँ। जी कैसे हैं? मैंने आपको ड्रेस का कहा था, आपने अभी तक नहीं ली। चलिए ठीक है, फिर करते हैं कोई प्लान। कहाँ जा रहा है तुमने? चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से मैं जलील हो गई हूँ तुम्हारे भाई की नजरों में। पापी सॉरी, भाई को प्लीज कुछ मत बताइएगा। चलो मेरे साथ पापी, मैं कह रही मेरे साथ चलो। प्लीज भाई को कुछ, ये देखो अपनी बहन की करतूत, बहुत मान था ना आपको इस पे। क्या हो? पूछो, खुद ही पूछ लो इसे। मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, आपने हमेशा मुझ पे शक किया। मैंने कहा था ना आपके सामने हकीकत आकर रहेगी। अब पूछे इसे किससे बात कर रही थी। अंशु जी मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे प्यार का नजायज सबक है तुमने। किससे बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी तुम? भाई सॉरी, गलती हो गई। दफा हो गया अपने कमरे में। आयशा सॉरी, मैं हमेशा तुम्हें गलत समझता। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खुशी है हकीकत तो आपके सामने आई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा मेहर और आप देख रहे हैं कैंडी टीवी। और स्टोरी में से आपने क्या देखा और क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।